वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट नीट स्टडी मटेरियल के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन नीट के अंदर इस टॉपिक में से आ रहा है। तो पार्चुरेशन का मतलब सिंपली ये होता है कि भैया जो बेबी एक्सपल्सन होता है यूट्रस के अंदर से, उसको हम पार्चुरेशन कहते हैं। और लैक्टेशन का मतलब है जो तुम्हारा ब्रेस्ट फीडिंग, जो मिल्क प्रोडक्शन होता है शुरुआती स्टेज में, उसको हम लैक्टेशन कहते हैं। तो इसके कंटेंट को हम पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है एनसीईआरटी को, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन निकल के आ सकता है नीट एग्जाम के अंदर। अब देखते हैं, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 months, विच इज कॉल्ड द जेस्टेशन पीरियड। ओके, क्लियर है। तो विग्रस कंट्रैक्शन ऑफ द यूटरस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉजेस एक्सपल्सन ऑब्लिक डिलीवरी ऑफ द फीटस। यस, इट इज वेरी ट्रू। सो दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। तो जो प्रोसेस है जिसके थ्रू डिलीवरी ऑफ द फीटस चिल्ड्रन को जो बाहर निकलता है, उसको हम पार्चुरेशन बोलते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। तो पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। इसके लिए एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। तो ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन इससे आ चुके हैं कि सिग्नल्स फॉर द पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम डेवलपिंग फीटस एज वेल एज प्लेसेंटा, दोनों से होता है। लेकिन मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करते हैं, सोचते हैं डेवलपिंग फीटस से होगा, दोनों से होता है, प्लेसेंटा से भी होता है। तो इन दोनों को मिला के एक सिग्नल बनता है जो कि पार्चुरेशन को ओरिजिनेट करेगा। तो विच इंड्यूस माइल्ड यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जनरेट होता है। तो दिस ट्रायगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। यहाँ आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का रोल कॉन्ट्रैक्शन में आ गया। देखिए, तो ट्रायगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी, कौन से पार्ट से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूटराइन मसल एंड कॉजेस स्ट्रॉन्गर यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन, विच इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन का रिलीज होगा, उतना स्ट्रॉन्गर यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन है और फर्दर ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता रहेगा ताकि इस कॉन्ट्रैक्शन को प्रोवाइड किया जाए। द स्टिम्युलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन कंटिन्यूज, रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस, ताकि एक्सपल्सन आसानी से हो सके। तो ये इसका रोल है। तो दिस लीड्स टू द एक्सपल्सन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनल, दैट इज कॉल्ड पार्चुरेशन। सिंपल सी डेफिनेशन हो गई पार्चुरेशन की। तो सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड द प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपल्ड आउट ऑफ द यूट्रस। तो प्लेसेंटा भी तो बाहर निकलेगा ना, यूट्रस के अंदर प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के अंदर बेबी। तो जो बेबी निकलेगा तो प्लेसेंटा भी साथ में आ जाएगा, तो प्लेसेंटा को कट कर देते हैं। द मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इनिशियल ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इसेंशियल है टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। तो दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न। ठीक है जी, तो नया जो प्रोसेस होगा मिल्क प्रोडक्शन का, उसको बोलते हैं लैक्टेशन, मदर के अंदर जस्ट आफ्टर द एक्सपल्सन ऑफ द बेबी। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ द लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कोलोस्ट्रम की डेफिनेशन को याद कर लेंगे। विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्यूटली इसेंशियल टू डेवलप रेसिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबी IgA। कौन सी होती हैं, सोल्यूबल एंटीबॉडीज होती हैं। चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ेंगे, वहाँ तुम्हें दिखेगी कि कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है कोलोस्ट्रम में, IgA। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पर आता रहा है। तो ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ द इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप ए हेल्दी बेबी। बहुत इसेंशियल है, कोई इसका तोड़ नहीं है ब्रेस्ट फीडिंग का, इनिशियल मिल्क का कोई भी तोड़ नहीं है। तो ये इस तरीके से पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन वाला तुम्हारा खत्म होता है। एक क्वेश्चन आता है, इसको बड़े ही ध्यान से पढ़ें।